ये जो सामने एलईडी है वो कितना क्लासी लग रहा है और लड़कियां बड़ा पसंद करेंगी इसको। बैठने का जो सीट है वो भी बहुत सही दिया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, इलेक्ट्रिक का मार हो चुका है, सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रिक के तरफ स्विच कर रहे हैं। हम फिर से इलेक्ट्रिक स्कूटी दिखाने आ गए हैं और हम जो दिखाते हैं वो कमाल दिखाते हैं। आपकी नजरों के सामने है ये कलर, सबको पसंद है और आप देख सकते हैं कि ओडीसी का V2+ है। ये रोज गोल्ड आप कह सकते हैं, जो आईफोन में होता है ना रोज गोल्ड, वही है भैया, रोज गोल्ड वाली कलर है और ओडीसी का V2+ है। V2+ में क्या खासियत है हम सब चीज बताएंगे, लेकिन इसका डिजाइन देख लीजिए आप, चारों तरफ जो डिजाइन है, जो एक लुक दे रहा है, जो एक क्लासी लुक दे रहा है वो देखिए। यहाँ पे ओडीसी लिखा हुआ है और V2+ लिखा हुआ है, बहुत सही लोगो है और बैठने का जो सीट है वो भी बहुत सही दिया। तो चलिए अब आगे से शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसमें खासियत क्या है, दाम भी बताएंगे। भैया थोड़ा सब्र रखिए, अब इसका देख सकते हैं आप सामने वाला जो लुक है वो देखिए। यहाँ पे इसका लाइट ऑन करते हैं, सबसे पहले ऊपर से दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए इंडिकेटर अभी ऑन है, इसको इंडिकेटर को बंद करते हैं। ये जो सामने एलईडी है वो कितना क्लासी लग रहा है और लड़कियां बड़ा पसंद करेंगी इसको। V2+ है, लड़कियां बड़ा पसंद करेंगी ये लाइट को और लड़के भी पसंद करेंगे। फिर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक अलग सा लुक जो है, नीचे भी हेडलाइट है वो बहुत सही, हेडलाइट जो है वो बहुत सही स्पेस में दिया हुआ है। और सॉकर में आप अगर बात करें तो डबल सस्पेंशन है और कवर दिया है, जो सॉकर वाला कवर होता है ब्लैक कलर का, जो बहुत अच्छा लुक दे देता है वो इसमें दिया गया है। और फ्रंट व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिख रहा होगा, डिस्क ब्रेक दिख रहा है। अब इसके पीछे आते हैं, लेग स्पेस के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद मीटर के बारे में बात करेंगे। अगर इस पर हम ऐसे बैठ जाते हैं तो लेग स्पेस जो है वो बहुत सही है, आपको दिख रहा होगा नीचे लेग स्पेस बहुत सही है। चाबी लगाने के लिए यहाँ दिया हुआ है। अब मीटर पर आप आते हैं, मीटर पर आप आएंगे, देखिए पहले ऑफ कर देते हैं इसको, मीटर ऑन किए, यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे आपको बैटरी बताया जाएगा, फिर किलोमीटर बताया जाएगा, फिर मोड बताया जाएगा, मोड इज़ 1, 2, 3। और आप चेंज कहाँ से कर सकते हैं, चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको है, यहाँ पे LDS लिखा है, यानी लोअर मोड, ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे चेंज होता है। एंड रिवर्स में आपको क्या करना है ना, बस इसको दबाए रहना है और दबा के एक्सीलेटर लेंगे तो पीछे जाएगा। तो रिवर्स में आपको यूँ करना है। जब इस गाड़ी पे बैठेंगे तो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। मीटर हमने आपको दिखा दिया और अब इधर आएंगे यहाँ पे तो स्विचेस के बारे में बताते हैं आपको। एक लेफ्ट साइड हॉर्न हो गया, एक राइट साइड हॉर्न हो गया। ऊपर में आपको ये जो बटन दिख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये इंडिकेटर्स के लिए हो गए। यहाँ पे बटन पे फोकस करेंगे हम, ये हो गया इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के लिए हो गया यहाँ पे। और ये हो गया अपर और डिपर, मतलब कि अपर लाइट एंड लोअर लाइट। उसके बाद ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए पासिंग अगर मारना है, पासिंग अगर मांगना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आप प्रेस करते रहिए। बाकी स्कूटीज में ये नहीं दिया रहता है, तो इसमें ये दिया गया है। सबसे बेहतरीन चीज़ बता दें इसमें, आइए पास बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रेंच वाला जो साइन दिया हुआ है वो यहाँ पे तब यूज़ आएगा जब आपका एक्सीलेटर जो है, राइट साइड जो एक्सीलेटर है वो काम करना बंद कर दे, आप अटक गए बढ़ नहीं पा रहे, तो इसको प्रेस किए रहिएगा तो एक्सीलेटर का काम करेगा। और आप जहाँ भी सर्विस सेंटर है, आपका घर हो गया, आपको कहीं पहुँचना है, तो ये उस समय इमरजेंसी के लिए काम आने वाला है। यहाँ पे आप फोन एंड ऑल रख सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है दोनों तरफ, दोनों तरफ बॉटल्स रखिए, कुछ और रखिए, जो भी आपको इच्छा करे वो आप रख सकते हैं। अब पीछे के डिज़ाइन में आपको जाते हैं, पीछे के डिज़ाइन में आपको टेल लाइट, भैया नहीं देखे तो क्या देखे इस गाड़ी का। अब ये देखिए बेहतरीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। टेल लाइट जो है बहुत सेक्सी अंदाज में दिया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात भैया बता दें, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनेगा कभी कभी तो चालान नहीं कट पाएगा, क्योंकि नो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस का आपको नहीं जरूरत है। आगे वाले हेलमेट पहने सेफ पर्पस के लिए, पीछे वाले भी सेफ पर्पस के लिए पहने, लेकिन बाय चांस आप भूल जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत पहने, बाय चांस भूल जाते हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा। पीछे भी आप देख सकते हैं कि डबल सस्पेंशन दिया हुआ है। और अब इसका खासियत बताने वाले हैं, डिक्की को खोलने वाले हैं,
अब डिक्की से पहले बता दें आपको, इसका माइलेज है 150 किलोमीटर। जी हां, आप चार्ज करिएगा तो चलेगा 150 किलोमीटर। क्यों? यहां पर देखिए बैटरी आपको दिख रहा होगा, बैटरी का पावर आवर सब बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए पहले, बैटरी आपका एक यहां है, आपको दिखा। तो अब हम इसको निकालेंगे, अब इस बैटरी को निकालेंगे, यहां पे हुक दिया हुआ है, ये बैटरी निकला, ये बंद किए, अब सामने आप आइए, ऑन है। तो एक बैटरी नहीं है तो दूसरा बैटरी इसके अंदर है, तभी तो 150 माइलेज और आपको काम पे जाना है, दौड़ना है। तो एक को बैटरी को आप चार्ज में लगा दीजिए और एक बैटरी को आप रगड़ते रहिए। अब वापस इसको अंदर डाल देते हैं। तो बैटरी को हमने अंदर डाल दिया और माइलेज इज 150 किलोमीटर। माइलेज तहलका मचाने वाला है भैया। दाम सुनिएगा तो सोचिएगा कि अरे बाप रे इतना कम दाम है, 1,05,000 रुपए। अब मोटर पर आते हैं, मोटर की पावर के बारे में आते हैं। मोटर का पावर जो है वो 250 वॉट। जी हाँ, 250 वॉट। और वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट्स है। स्टार्टिंग सिस्टम भी कीलेस है, हमेशा जो आप देखते आए हैं इस ओडीसी वाले कंपनी में, तो कीलेस वाला फीचर आप जानते ही होंगे। मैक्सिमम स्पीड भैया उतना स्पीड है जितना आपको चाहिए। जी हाँ, जितना आपको चाहिए उतना है। और पीछे वाले जो बैठेंगे उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। डबल सॉकर देखिए पीछे, डबल सॉकर जो दिया हुआ, एकदम खुदा के चलिएगा ना गड्ढे में, पटना का रोड है, खुदा के चलिएगा तो वो होना ही होना है। और V2 प्लस का भैया 2.6 किलोवाट। जी हाँ, बैटरी के बारे में बता रहे हैं आपको, 150 माइलेज ऐसे ही नहीं देता है। और लेंथ भी आप सही देख रहे हैं, हाइट भी सही देख रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो 180 मिलीमीटर है, आप लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और चार्ज करने में टाइम कितना लगता है, तो एक बैटरी आप 3.5 घंटे में चार्ज करेंगे, दूसरा बैटरी 3.5 घंटे में चार्ज करेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप पहला चार्ज कर रहे होंगे दूसरा चार्ज हो रहा होगा, फिर आप उसको लेके, और रात में अगर दो जगह लगा दिए तो फिर 150 घूमते रहिए पूरे दिन। जी हाँ, दिन भर घूमते रहिए। कलर्स में कलर्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं आपको बता देते हैं। रेड कलर में है, ग्रीन कलर में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वाइट में है, ब्लैक में है, ब्लू में है, लेकिन यहाँ अवेलेबल जो जो है वो आपकी नज़रों में दिख रहा होगा। तो भैया ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। टायर साइज सब चीज देखिए, सब चीज बहुत सही है ओडीसी का। चलिए तो ये प्यारा चीज भी देख लीजिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये प्रेस किया और एकदम प्यार से ऐसा प्रेस प्यार से। अब बेहतरीन चीज, अगर आपका टायर फट जाता है तो भी 1 साल के अंदर ये चेंज करके देंगे आपको, और अगर आपका मीटर खराब हो जाता है तो भी आपको 1 साल के अंदर चेंज करके देंगे। अगर एक्सेलरेटर खराब हो जाता है तो भी चेंज करके देंगे। सब चीज चेंज हो सकता है 1 साल में। और मोटर 3 साल, बैटरी 3 साल। अब वेट क्यों कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन गाड़ी आ गया और कलर तो भैया लाजवाब लग ही रहा है, अब इंतजार नहीं करना है। ओडीसी का V2 प्लस ना लेके जाना, हमेशा इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखा रहे, कहां दिखाते हैं वो आपको मालूम होगा। तो बस जल्दी पहुंच जाइए और ले जाइए, अगर आपको पसंद है तो। बस हम दिखा दिया आपको बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटी जो सुपर्ब लग रही है। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।